रुबीना दिलैक और जैस्मिन वसीम की दोस्ती के किस्से तो आप सभी को पता है। यहाँ पर पहले जो उनकी दोस्ती थी वो तो एक दूसरे के लिए जान न्योछावर करते थे, लेकिन उसके बाद जो इनकी दुश्मनी हो गई, एक टाइम था जहाँ पर राहुल वैद्य के लिए लड़ रही थी वो थी रुबीना दिलैक, जो कि जैस्मिन के लिए लड़ रही थी, लेकिन आज वो टाइम है कि जैस्मिन और रुबीना एक दूसरे को गलत शब्द कह रही है। ऐसे में आज जब कॉलर ऑफ द वीक आएंगे तो वहाँ पर रुबीना दिलैक जैस्मिन वसीम को कहेंगी चुड़ैल, और उसके बाद जो झगड़ा बढ़ेगा वो बहुत ज़बरदस्त। नमस्ते सत श्री अकाल, आज आप खमागिनी केम चो के रोहाल कैसे कायम है, वो करम रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो दोस्तों यहाँ पर जब कॉलर ऑफ द वीक आज फोन करेंगे, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कुछ बातें चलेंगी, ऐसे में वो रुबीना दिलैक कुछ ऐसा वर्ड कह देंगी जिससे जैस्मिन वसीम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगी। रुबीना दिलैक कह देंगी कि इस पर तो मुझे अब भरोसा ही नहीं रहा है और अब हमारी दोस्ती टूट गई, ये तो एक चुड़ैल है। ऐसा कहने पर जैस्मिन वसीम भड़क जाती है, हालांकि अली गुनी उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को ऐसा कहेंगे तो वो चुप कैसे रहेगा। इतना ही नहीं, जब कॉलर ऑफ द वीक ने ये पूछा था कि आप भरोसा करती है, तो उन्होंने कहा अब मैं इस पर कोई भरोसा नहीं करती हूँ, और जैस्मिन वसीम अपना रंग बदलती है और अब हमारी दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी है। तो क्या ये सच है कि उनकी दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि कभी कभी दिखता है कि वो दोनों पैचअप करके बैठते हैं, बातें करते हैं, अली भी बात करता है जैस्मिन रुबीना से बात करती है, रुबीना जैस्मिन से बात करती है, लेकिन यहाँ पर कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि स्लोगन ही है इस बिग बॉस सीजन 14 का, अब सीन पलटेगा। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।